बाहर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ के देहली गेट थाना क्षेत्र स्थित जली कोठी में दो पक्षों में बीती रात जमकर मारपीट में पथराव हुआ। इस घटना में दो महिलाओं व एक बच्चे समेत 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। खून से लथपथ इन लोगों को जिला अस्पताल ले जाया गया। यहां भी इनमें मारपीट हो गई। पुलिस पर एक तरफा और लापरवाही का आरोप लगाते हुए महिलाओं ने शहर घंटाघर पहुंचकर जाम लगा दिया। इनका आरोप है कि इस घटना की आशंका जताते हुए दिल्ली गेट पुलिस को सूचित किया गया था, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, जबकि दो दिन पूर्व ही वहां मारपीट भी हुई थी। दरअसल जली कोठी स्थित मोहल्ला पूर्वा अहमद नगर निवासी शोएब को घर में ही भैंस कटान को लेकर पुलिस ने जेल भेज दिया था। उसे शक है कि पड़ोसी कामिल ने इसकी मुखबरी की थी। वह हाल ही में जमानत पर बाहर आया है। इसे लेकर ही वहां तनातनी चली आ रही है। दोनों ही तरफ से दिल्ली गेट थाना पुलिस को कई बार शिकायत की गई, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और बीती रात की यह घटना हो गई। मारपीट पथराव में शोएब, उसका भाई जुबैर, तालिब और बहन फौजिया समेत दूसरे पक्ष कामिल, आमिर आदि घायल हो गए। घटना के प्रत्यक्षदर्शी ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। क्या मामला हुआ जलीकोटी में? जलीकोटी में वही आपस में रहते हैं, एक इकबाल का परिवार है और एक रईस का परिवार है। किस बात को लेकर विवाद हुआ? बस बात तो कुछ भी नहीं है इनकी, कोई ऐसी लंबी छोड़ी बात तो सामने आई नहीं, ऐसी कि तू इस गली में नहीं आएगा, वो उस गली में नहीं आएगा। इस बात को लेकर इनमें झगड़ा हो गया, पथराव उथराव हो गया, उसमें 8-10 जनों का चोट लगे। 8 जनों का क्या? फायरिंग वगैरह भी हुई है? नहीं, फायरिंग तो नहीं हुई, पथराव वगैरह। कितने जने घायल है? 8 जने, 2 महिला है और 6 जेंट्स है, एक छोटा बच्चा है। वही घायल तालिब का फर्स्ट बाइट से यह कहना था। तालिब, क्या मामला हुआ था? कौन कौन लोग थे? बहुत सारे लोग थे, कुछ कुछ के नाम पता मुझे। किसके नाम पता? राजा है, आखिल है, और कामिल है, अफजाल है, अल्तमस है, गोलू है, और इकबाल है। झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? हमारे घर पर वो गली में आता था लड़के को बुलाने, बबलू भी है, वो भी है तुम्हारा। झगड़ा बताओ, झगड़ा झगड़ा किस बात को लेकर हुआ? जरा वो लड़का आता था गली में उनका। कौन आता था? वो क्या नाम है, राजा। अच्छा, वो हरामी बंद करता था आके। क्या? यही आवाज दवाज देता था, ऐसी शराब पी के, बीड़ी पी के मैं ही ड्रामे करता था। हमारा भाई ने उससे बोला था जाने को, भाई यहाँ मत आकर, और ऐसा है तू आवाज मारे तो चल जा कर सीधा, तो उससे गाली गुफ्तार हो गई थी। अच्छा भैया, तो मारपीट भी हो जाती, तो 112 हमने कॉल कर दी थी, तो इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था। कॉम्प्रोमाइज़ के बाद फिर अगले दिन उन्होंने, ये जा रहा था उस गली में से उनके घर की तरफ से, इसे पकड़ के मारा था। फिर रिपोर्ट करी पुलिस, तो कोई सुनवाई नहीं करी, फिर आज फिर हम लोग लड़ाई हो गई। कितने जने घायल हैं? हम 5 जने घायल हैं। लेडीज भी इसमें? 2 लेडीज हैं, 3 जेंट्स हैं। कहां का मामला है ये? ये जल्दी करो, अहमदनगर। इस बारे में एसपीसीटी विनीत भटनागर ने यह जानकारी दी। थाना दिल्ली गेट में जली कोठी के पास पूर्वा अहमदनगर है, वहां पर दो पक्षों में जो पास में पड़ोसी हैं, किसी बात को विवाद को लेकर के मारपीट झगड़ा हुआ, एक दूसरे पर पथराव हुआ, कुछ लोग घायल हैं, उनको चिकित्सा के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साक्ष्य के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें कोई फायरिंग की भी सूचना आ रही है, ऐसा कुछ है? हाँ, इस तरह की सूचना आई थी, जानकारी करी गई है, तो उसकी पुष्टि नहीं हुई है, फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये जरूर हुआ है कि दोनों पक्षों में से कुछ लोग घायल हैं। क्या ये झगड़ा पहले भी हुआ था, 2-3 दिन पहले जैसा पता है? ये इस तरह की बात भी जानकारी में आई है, इसके बारे में परीक्षण किया जा रहा है। अभी फिलहाल इसमें अभी पंजीकृत करके साक्ष्य के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की। सर, क्या इसमें किसी की अरेस्टिंग भी हुई है? देखिए, अरेस्टिंग नहीं, चूँकि लोग घायल हैं तो उनको पहले अस्पताल में भेज के उनका इलाज कराना हमारी प्राथमिकता थी, वो हमने कराया है। इसके बाद साक्ष्य के आधार पे जो भी व्यक्ति इसमें शामिल है, साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।